देखिए मेरे भाई बहन, आज मैंने गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। ये मैंने पानी ली हूँ, शक्कर है ये। इसमें मैं अपने गैस के ऊपर हमने चढ़ा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने शक्कर ली, हमने शक्कर डाल रही है। देखिए ये हमने अब इसमें पानी डालने जा रहे हैं, ये चाशनी बनाने रही हूँ। देखिए हमने चाशनी चढ़ा दी हूँ गैस के ऊपर, मेरा गैस चालू है। अब इसको हमने पकने देंगे। तब तक पकने देंगे जब तक चाशनी नहीं बन जाएगी। अब इसको हमने छोड़ देंगे बनने के लिए, चाशनी तैयार हो जाएगी। अब देखिए मेरी चाशनी तैयार हो गई है बन। ये देखिए चाशनी तैयार हो गई। अब मैंने इसमें ये दूध डालूंगी, कच्चा हो चाहे पका हो, दूध चाशनी तैयार होने के बाद उसमें डाल दो, थोड़ा उबाल दो तो उसका कचड़ा जो है ना उसका पूरा निकल जाएगा। अब इसको मैंने थोड़ा उबलने दूंगी, इसमें उबाल आ जाएगा, पूरा कचड़ा इसका निकल जाएगा। फिर इसको मैंने छन्नी में छान लूंगी दूसरे बर्तन में। अब मैंने इसमें दूध डाली थी तो ये कचड़ा ये देखिए, दूध डालने के बाद पूरा कचड़ा निकल जाता है। देखिए इसमें हम अब डालेंगे लांची पीस के, छान लेंगे इसको, इसके बाद लांची पीस के डालेंगे कि खुशबू रहे लांची की। फिर अब इसमें मेरा तैयार हो गया है, इसमें मैं गुलाब जामुन बना के डालूंगी। देखिए अब हमने इसको छान लिए हैं चाशनी को। अब इस चाशनी में ये लांची डालने जा रही है, लांची। अब ये लांची डाल के अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए गैस पे ही रहने दूंगी। गैस चालू है। अभी थोड़ा उबल जाएगा, अब इसको हमने ढाँक देंगे तो थोड़ा ये उबल जाएगा तो इसमें खुशबू आ जाएगी लाइची की। इसको अब हमने ढाँक रखा, अब ये गैस चालू है। अब देखिए हमने गुलाब जामुन का आटा लगाने जा रही हूँ। अब गुलाब जामुन बनाऊंगी। अब मैंने कोई कोई है ना तो इसमें क्या करते हैं कि पानी डालते हैं, घी उसका दूध का मोमन देते हैं, लेकिन मैंने मोमन नहीं देती हूँ, डायरेक्ट पानी से मैंने
इसको आटा को गूंथ लेती हूँ, इसको आटा लगा दी, पानी डाल के मैंने आटा इसको अच्छे से लगा लूंगी। देखिए मेरे भाई बहन ऐसे आटा लगाते हैं। ये मेरा आटा अब कंप्लीट हो गया। मेरा आटा मैंने हर साल अपने लड़के के जन्मदिन में बेटे के मैंने गुलाब जामुन अपने हाथ से बनाती हूँ। ये देखिए अब कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसको रख दी। इसमें कढ़ाई में घी डाली। हाँ देखिए मैंने घी इसमें घी डाली। घी वाला अच्छा वाला डालना डालने का बस तती। ये सफोला 80 तेल भी अच्छा वाला कंपनी के डालने का। देखिए ऐसे गुलाब जामुन बनता है। इसमें चढ़ा दी करहिया गैस के ऊपर। अब ये गरम हो जाएगा। तेल घी दोनों मिला के मिक्स डाली हूँ। अब हमने गोली बना लू इसका। अब गोली बनाऊंगी मैंने। ऐसे करके पहले फिर गोली एक बराबर करके ऐसे रख लेने का। ऐसे गोली रख लेने का फिर बनाने का। फिर ये गोली पूरी गोली बराबर बनाने का। बना के ये तेल मेरा इधर गरम हो रहा है। ये तेल गरम हो रहा है और मैंने अब गोली बना रही हूँ। पूरी गोली बना के तेल गरम हो गया। अब मेरी गोली अब बन गई। अब मैंने इसको तेल गरम हो गया। अब मैंने इसमें अच्छा तेल गरम होना चाहिए। फिर मैंने इसमें डाल दी। देखिए मेरे भाई बहन कैसे गुलाब जामुन बनाते हैं। मैंने घर में ही बनाती हूँ। कुछ कार्यक्रम करती हूँ मैं घर में, अपने घर में ही गुलाब जामुन। फिर इसको गैस को धीम कर देने का। ये धीम में अब इसको पकने देती हूँ मैं 5 मिनट तक। ये अब सुनहरा हो रहा है, सुनहरा पड़ रहा है। देखिए धीमे से इसका सुनहरा पड़ गया। अभी थोड़ी देर और इसको 2 मिनट और रुक जाओ। अरे भाई बहन देखिए ये बन गया। अब इसको थोड़ा मैं तेज कर दी गैस निकालने के पहले। अब हमने इसको तेज कर दी। अब हमने निकाल रही हूँ इसको। कभी भी तेल खूब ज्यादा गर्म हो जाए इसके बाद डालो, नहीं तेल गर्म नहीं रहेगा ना तो फट जाता है। ये जो है ना ये आपका फट जाएगा। तेल गर्म में डालने का, फिर उसको गैस का धीम करके धीमी आंच पकने देने का। मैं आप लोग को बनाने का सरल तरीका बता रही हूँ। बहुत आसान है बनाना। देखिए मेरा पूरा बराबर बना है। अब हमने इसमें डाल रही हूँ। इसमें हमने इसको डाल दिया। इसको डाल के अब हमने इसको ढाक दूंगी। इसको ढाक दूंगी ये अपना 5 मिनट तक रहेगा, फूल जाएगा इसको अच्छा। फिर देखिए अब मेरा गुलाब जामुन अब बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट
बना है। देखिए अब अपने घर में आप लोग बनाइए, खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, आजू बाजू में खिलाइए, बनाइएगा जरूर आप लोग। देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए।